एक कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। एक जंगल में एक कौवा रहता था और बड़ा खुश और मस्ती में रहता था। पर एक बार उस जंगल में एक बहुत ही सुंदर पक्षी दिखाई दिया। वो तुरंत उस पक्षी के पास गया। उस पक्षी का रंग बड़ा सफेद था और कौवे ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो पक्षी ने हंस कर कहा कि हंस। कौवा बड़ा खुश हुआ और खुश होकर के बोला, कहा कि यार तुम तो बहुत सुंदर हो और तुम्हारा रंग भी बड़ा सफेद है, तुम्हें तो जिंदगी जीने में बड़ा मजा आता होगा। तो हंस ने कहा, नहीं, मुझसे ज्यादा भी कोई और सुंदर है। अब कौवा हैरान हो गया और कहा कि वो कौन है जो तुमसे भी सुंदर है। तो हंस ने कहा, तोता। अब कौवे ने वहां से तुरंत उड़कर तोते के पास पहुंचना शुरू किया। अब कौवा उसे देख करके हैरान हो गया। तो तोते के गले लाल रंग और तोता हरे रंग का था और कौवे ने उससे कहा कि यार तुम तो बड़े खुश रहते होगे, तुम तो बड़े सुंदर दिखाई देते हो। तो तोता मायूस हुआ और कहा कि नहीं, मुझसे भी शानदार और है, है ना, क्या, मोर। अब कौवा वहां से उड़कर मोर को ढूंढने लगा। उसने कई दिन तक मोर को ढूंढा लेकिन मोर उसे नहीं मिला। लेकिन कुछ दिन के बाद उसे पता चला कि मोर शहर में चिड़ियाघर में है। अब कौवा चिड़ियाघर पहुंचा और उसने मोर को देखा कि वो एक बड़े से पिंजरे में बंद है और बहुत से लोग उसको देख के फोटो खिंचवा रहे थे और देखकर कौवे को थोड़ी जलन हुई। कौवा जो था वो मोर के पास गया और कहा कि यार तुम्हारी जिंदगी में तो मजे ही मजे हैं। तो मोर उदास हुआ और कहा कि किस बात के मजे हैं, मैं भले ही दिखने में शानदार हूं, भले ही दिखने में सुंदर हूं, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी इस बंद पिंजरे में ही गुजरने वाली है। मोर ने कौवे से कहा, यार तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, खुले आसमान में जहां चाहे वहां जा सकते हो और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना कि जिंदगी में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, वरना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुलना करके उसके जैसा तो कर नहीं पाओगे और फिर तुम्हारे पास भी वक्त नहीं होगा खुद का कुछ कर पाने का। ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको जरूर अच्छी लगी होगी।